please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस ड्रोन को बनाने वाली चीनी कंपनी का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले ज्यादा सटीक निशाना लगा सकता है। साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया कि कई देशों से इस ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर भी मिल चुका है। क्योंकि इस ड्रोन की खासियत मिसाइल दागने के अलावा इसमें लगा खास सेंसर भी है, जिसके जरिए ड्रोन ये पता लगा सकता है कि दुश्मन का इलाका कौन सा है और कितनी दूरी पर है, जिसके बाद इससे निकली मिसाइल दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। ये ड्रोन एक बार में 16 मिसाइल ले जा सकता है। उड़ान के वक्त ये 3 टन तक का वजन उठा सकता है। चीनी कंपनी का दावा है कि ड्रोन 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हालांकि कंपनी ये मानती है कि इसका इंजन अमेरिकी ड्रोन US MQ-9 रीपर से कमजोर है, क्योंकि रीपर जमीन से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि CH-5 रेनबो सिर्फ 9 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरता है। कंपनी के मुताबिक CH-5 रेनबो ड्रोन अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले आधी कीमत का होगा। इसके अगले साल तक बाजार में आने का अनुमान है। फिल्मों में सीन काटने के मुद्दे पर आमिर खान ने सेंसर बोर्ड को निशाने पर लिया। आमिर खान ने सेंसर बोर्ड कट लगाने से बाज आने की नसीहत दी। I don't know how relevant it is to this. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor it. It's supposed to grade the film, you know, certify ki kis age group ko ye film hum dikha sakte hain. राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, क्योंकि कर्नाटक में मंत्री डीके शिवकुमार पर इनकम टैक्स की कार्रवाई ने कांग्रेस को नाराज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के सामने वेल तक आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उपसभापति ने कई बार सांसदों को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा, जिसकी वजह से सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले कर्नाटक के मंत्री शिवकुमार के ठिकानों पर हुई छापेमारी का मुद्दा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने उठाया। आनंद शर्मा का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया और इसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई करार दिया। हालांकि अरुण जेटली के जवाब से कांग्रेस के नेता शांत नहीं हुए और गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर फिर हमला बोला। ये व्यक्ति पे आप 1 महीने बाद कर सकते थे, 1 महीने पहले भी कर सकते थे, ये आज क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने छापेमारी की कार्रवाई को राज्यसभा चुनाव से जोड़ा और दावा किया कि गुजरात में उनके प्रत्याशी को हराने के लिए विधायकों को डराया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई सफाई से भी बात नहीं बनी और राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर ये मुद्दा हंगामे की वजह बन गया। उत्तराखंड इलेक्शन वाज टेकिंग प्लेस, स्पेशल स्पाइस जेट फ्लाइट टू वेरियस रिसॉर्ट्स। आई वांट टू आस्क मिस्टर मोदी व्हाट वाज ही डूइंग एट दैट टाइम। कांग्रेस के हंगामे के बीच जवाब देने का मोर्चा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभाला। करप्शन के क्रांतिकारी लोग जो है करप्शन पर चर्चा भी नहीं करेंगे और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। राज्यसभा में सभापति की काफी कोशिश के बाद भी हंगामा नहीं थमा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच छापेमारी को लेकर घमासान का सिलसिला सदन के बाहर भी जारी रहा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया और इनकम टैक्स अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली। इनकम टैक्स के अधिकारी या ED या CBI तो अमित शाह के घर के घरेलू नौकर की तरह काम कर रहे। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया तो सरकार ने इसे कानूनी प्रक्रिया करार दिया। कर्नाटक में हुई छापेमारी ने दिल्ली के सियासी गलियारों में दिन भर हलचल मचा रखी। दिल्ली NCR में चोटी काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। गुरुग्राम के कृष्णा नगर में 13 साल की बच्ची की चोटी कटी मिली। बच्ची के कटे हुए बाल देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। परिजनों ने बताया कि सुबह वो कटर की आवाज सुनकर उठे और इसके बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसकी चोटी कटी हुई थी। इस घटना के बाद बच्ची के परिजन सदमे में। UP के मेरठ में भारी संख्या में पुलिस के जवान मकानों में घुसकर छानबीन करते नजर आए। यहां पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुहिम छेड़कर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक इलाके में पुलिस के जवान दौड़कर एक मकान में दाखिल हो गए। इनके पीछे कुछ और जवान दूसरे मकान में घुसे और एक शख्स को अपने साथ ले जाने लगे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का पकड़े गए शख्स ने विरोध करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस के जवान एक के बाद एक कई घरों में घुसे और कुछ और लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गए। कुछ जगहों पर पुलिस वालों का विरोध भी हुआ। नीचे खोलो, कोई नहीं है।
लेकिन पुलिस के आगे लोगों की नहीं चली। इसी तरह पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। सस्पेक्टेड टाइप के सक्रिय अपराधी और सट्टा किंग हम लोगों ने पकड़े हैं। मेरठ पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने का अभियान चला रखा है, जिसके तहत ये धरपकड़ की गई। हालांकि कुछ आरोपी इस दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे।